गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। रेवाड़ी में बदमाशों को मानो खौफ ही खत्म हो गया है। बताया जा रहा है कि सेक्टर एक में SP निवास से मात्र 100 मीटर की दूरी पर जनरल स्टोर में पहले तो चोरों ने चोरी की और फिर स्टोर में आग लगाकर फरार हो गए। इसके बाद पुलिस गश्त के दावे पर सवालिया निशान उठ रहे हैं कि पुलिस रात में रात भर गश्त देती भी है कि नहीं, और घटना रात करीब 3 बजे की बताई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि SP निवास से मात्र 100 मीटर की दूरी पर जनरल स्टोर में चोरी को अंजाम दिया गया। वहीं करीब 4 से 5 लाख रुपए तक का सामान जलकर पूरी तरह से खाक हो चुका है। साथ ही बदमाश CCTV कैमरे की DVR भी लेकर फरार हो चुके हैं। वहीं आग लगने के बाद अग्निशमन की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस क्षेत्र में पुलिस के जरिए कड़े सुरक्षा के दावे किए जाते हैं। वहीं स्थानीय लोगों के जरिए शिकायत करने पर सेक्टर 3 की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। रात को दुकान बढ़ा के गए, 3:30 बजे फोन आया कि दुकान में आग। अच्छा। उसके बाद फायर ब्रिगेड को फोन किया, पुलिस भी आई, एम्बुलेंस भी आई, तो पूरा आग का काबू। ताले टूटे हुए थे और आधा स्टार टूटा हुआ। आपने जहाँ CCTV कैमरे भी लगा रखा है, वो उसकी वो DVD को निकालेगा, CCTV खत्म। तो लगता है कि चोरी हुई है, चोरी के बाद आग लगाई। चोरी के बाद आग लगाई। माल निकला हुआ था? हाँ, माल कुछ निकाला है, कुछ निकाल दिया, बाकी कॉस्ट लगा दिया। लगभग कितने का नुकसान है? 4 लाख। 4 लाख रुपये का नुकसान। क्या कोई शक है किसी से? नहीं, कोई शक नहीं किसी। पुलिस मौके पर आ गई थी? हाँ, पुलिस मौके पर आ गई थी, फायर ब्रिगेड मौके पर आ गई थी। कितनी देर बाद आग पर काबू पाया गया? 1 घंटा लगा, वो आग पाने में 1 घंटा 10 मिनट लगा।